क्या यार, समझ में नहीं आ रहा है। रुको, सुरेश को फोन करते, लगता है सब अप्रैल फुल बना रहा होगा। पूछ लेते हैं अभी। हाँ हेलो सुरेश। हाँ क्या हो रहा है भाई? अच्छा, अरे सुन रहे, लॉकडाउन लगा दिया यार। अरे अप्रैल फुल मत बनाओ यार, हम समझ रहे हैं अप्रैल चल रहा है यार, मूर्खों का महीना है। मैं सही से बताओ ना यार, सही में बड़ा मजा आएगा यार। अबे मेरे लिए तो मजा ही है ना, पिछला बार याद नहीं है कितना अच्छा से पढ़ते थे, घर में रहते थे यार। आहा, बहुत अच्छा, सही, पक्का सही इन्फॉर्मेशन है ना? लगा दिया दिल से एक बार फिर से नीतीश कुमार। आहा, यही चीज होना चाहिए, एकदम लॉकडाउन लगाइए तब। चलो भाई ठीक है, और भी दोस्त लोगों को खुशखबरी देते हैं। मजा आ गया यार, अब आराम से घर में रहेंगे, सोएंगे, ऑनलाइन क्लास चलेगा यार। दो मोबाइल हैं, एक पे मोबाइल क्लास ऑन करेंगे, दूसरे पे अपना पबजी खेलेंगे या बहुत सारे गेम खेलेंगे, बहुत मजा। तो ये आलम है, मैं आपको बता दूं कि सच में बिहार में जो है वो लॉकडाउन लग चुका है, और स्कूल और कॉलेज और साथ ही जो जहां भीड़ वाला एरिया है वहां पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। तो कुछ लोगों के लिए जो है ये खुशी की खबर है, और कुछ लोगों के लिए जो है गम की खबर है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि मास्क, जिसमें मैंने बताया था कि सैनिटाइजर वगैरह का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, पर लग रहा था अरे अब तो कोरोना खत्म हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसका असर ये हो गया कि अगर 12 तारीख तक, अभी तक केवल एक रेशियो दिया गया है, क्योंकि आज जो आया वो सबसे ज्यादा केस आया अपने बिहार में, जिसके कारण बिहार सरकार जो है वो जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन निकाले कि इतने दिन तक बंद रहेगा। पर क्या इतने दिन तक ही सीमित रह जाएगा? अगर आप और हम नहीं समझे ना, तो कसम से ये फिर पिछला साल याद दिलाएगा। और यार हम लोगों के लिए, मतलब जो सोचो यार, जो बिजनेस करते हैं जिनका इससे रिलेटेड है, तो उनपे क्या बीतेगा? हम और आप तो आराम से घर में रहेंगे या फिर जो भी कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने कहा आ कोरोना मुझे मार, और कोरोना ने तो बस कोरोना, और इस पर मृत्यु दर भी काफी है भाई। तो इसलिए थोड़ा सा संभलिए, अभी भी मौका है। जो आपका ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें प्लीज प्लीज प्लीज, और मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ज्यादा इसको फॉलो करना है। हम लोग क्या करते हैं, बंगाल में चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। अरे भैया है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके यहाँ है ना, आपको सुरक्षित रहना है ना। अरे बंगाल में सभा हो रहा है, आके मोदी जी सभा कर रहे हैं, तो वहां कोरोना नहीं है। ये को बात बताइए, बंगाल का आदमी को पकड़ेगा तो आपका चचा जाएंगे उसका इलाज कराने, नहीं ना? तो अभी हमको ये राजनीति में नहीं पड़ना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, है हर जगह, सिर्फ सभा है। तो खैर राजनीति मुद्दा में नहीं बोलना चाहिए, और मैं नहीं बोलना चाहता, कभी भी राजनीति मुद्दा पे मैं चर्चा नहीं किया हूं। तो वो अलग है कि वहां है या नहीं है। बहुत सारे अभी बोलेंगे अरे यहाँ बिहार में जानते हैं कोनो कोरोना नहीं है, क्या समझ रहे हैं? खाली किया गया है काहे के लिए, कि आपको और हमको परेशान करने के लिए, सब विपक्ष का ही जो है ये सब चाल है, समझ रहे हैं ना? या बोलेंगे कि भाई बंगाल चुनाव है, वहां मोदी जी सभा कर रहे हैं, तो क्या वहां नहीं है कोरोना? ऐसे बातों में नहीं पड़ना है। अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो, सब कुछ ऑन ट्रैक आए जैसे अभी चल रहा था, तो आप और हम मिलके कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाइए, और कोशिश कीजिए कम बाहर निकले, मास्क जरूर पहने, और एज पॉसिबल आपके पास ज्यादा हो तो 2-4 मास्क ज्यादा लेके चले। अरे दान 10 रुपया नहीं दीजिएगा ना, वो चलेगा, किसी को मास्क जरूर दीजिए अभी, और 4-5 हो उसको निकाल के कितने का आता है मास्क, 10-20 रख लीजिए अपने साथ, और किसी किसी को दीजिए, बताइए कि मास्क पहनिए अभी, और एज पॉसिबल घर में ही रहिए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करते रहिए।